हेलो एवरीवन लेट्स कंटिन्यू विद कैप द फर्स्ट वर्ड इज इंसर्जेंसी देखिए इंसर्जेंसी का मतलब होता है जब एक देश में ना कुछ लोग विद्रोह करने लग जाते हैं या आंदोलन करने लग जाते हैं सरकार को बाहर निकालने के लिए उसे इंसर्जेंसी कहा जाता है यानी कि ना विद्रोह तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा रिवोल्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा पीस आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं

एंटिसिपेशन एंटिसिपेशन का मतलब होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करें उसे हम कहते हैं एंटिसिपेशन यानी कि ना प्रत्याशा तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एंड क्या हो जाएगा डाउट आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ रेन यानी कि ना बारिश को एक्सपेक्ट करते हुए मतलब की बारिश हो सकती है कभी भी यू शुड ऑलवेज है इन योर कार हमेशा गाड़ी में छाता कैरी करना चाहिए तो नेक्स्ट वन इज इनकम्पेंट इनकेंट का मतलब होता है पर्सन हु करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजिशन यानी कि ना पदधारी उसे इनकम्बेंट कहा जाता है तो इसका सुनानेम क्या हो जाएगा ऑफिस होल्डर इंटोरिम क्या हो जाएगा कैंडिडेट आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द इनकंबन स्टोर मैनेजर इज नॉट हैप्पी अबाउट हैविंग टू ट्रेन द पर्सन हु इज टेकिंग हिज जॉब द नेक्स्ट वन इज In In hai, ho, hai, na, hai, incoherent की In incoherent का मतलब होता है कोई चीज अगर क्लियर नहीं हो इजीली अगर समझ में नहीं आए या अगर कोई कुछ बोल रहा हो ना तो अगर वो क्लियर नहीं है तो उसे incoherent कहा जाता है यानी कि जो स्पष्ट या सुबोध ना हो तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा अनक्लियर एंटोनम क्या हो जाएगा coherent आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द टॉक शी गिव वाज इनकोहेरेंट एंड बैडली

तो उसे मिटिगेटरी कहा जाता है या तो अगर आप ऐसा कर दे कि वो बैर किया जा सके मतलब कि ना बर्दाश्त किया जा सके तो उसे भी मिटिगेटरी कहा जाता है तो इसका सुनाने में हो जाएगा रिलीफ क्या हो जाएगा इंक्रीज आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं The doctor gave me a prescription to mitigate the pain. The next one is alienation. Alienation ka hota hai, the feeling that you have no connection with the people around you or that you are not a part of the group. It is called alienation. It alienation. Its synonym will isolation and its connection. Sentence. एल्कोलिज्म ऑफन लीड टू दिलिनेशन ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज डिंटेंट डिस्कंटेंट का मतलब होता है जब आप खुश नहीं है किसी चीज से ना तो उसे डिसकंटेंट कहा जाता है यानी कि द स्टेट ऑफ बींग अनहैपी विथ समथिंग यानी कि असंतोष की भावना तो इसका सुनाने में क्या हो जाएगा डिससेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा कंटेंट आप इस यूज कर सकते हैं दर्मर्स ऑफ डिसकंटेंट फ्रॉम दी वर्क फोर्स नेक्स्ट वन इज वेजेस देखिए होता है जब आप किसी चीज को या किसी पर्सन को अगर बहुत छोटी सी जगह पर अगर फिट करने की कोशिश करते हैं ना तो उसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को तंग जगह पर घुसा देना या फा देना उसे उसका सुनानी में क्या हो जाएगा स्क्वीज और फोर्स सेंटेंस आई ट्राई टू वेज एज मेनी बैग एज पॉसिबल इन दैग सीट ऑफ माई कार नेक्स्ट वन इज हेस्टली हेस्टली का मतलब होता है

कोई चीज अगर हो या शॉक हो ना उसे ग्रूसिम कहा जाता है मृत्यु या चोट से संबंधित स्थिति बहुत दुखद या स्तब्ध कर देने वाला उसे हम ग्रूसिम कहते हैं तो इसका स्नॉनिम क्या हो जाएगा शॉकिंग एन टॉनिम क्या हो जाएगा प्लेजेंट सेंटेंस ज डिस्क्राइब इट एज अ पर्टिकुलरली ग्रूसिम अटैक नेटिव देखिए जो भी चीज प्रॉफिटेबल हो ना उसे ल्युक्रेटिव कहा जाता है कि इसमें अच्छा पैसा हो उसे हम कहेंगे ल्युक्रेटिव इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं शी एडवाइज टू लुक अब्रॉड फॉर मोर ल्युक्रेटिव बिजनेस वेंचर्स दैट्स इट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करे शेयर करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ऐसे और भी वीडियोज के लिए थैंक यू